इमेजिन करो कि अगर आप एक प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो और वो प्लेन बीच में ही क्रैश हो जाए और जाकर एक जंगल में गिर जाए। अब इसमें बचने वाले आप अकेले इंसान हो। इतनी ऊपर से गिरने के बाद क्या आप इस खतरनाक जंगल में सरवाइव कर पाओगे? तो शुरू करें। 1971 शाम 7 बजे फ्लाइट 508 का प्लेन लीमा से पेंगुआना जा रहा है, जो 91 लोगों को ले जा रहा है। उन्हीं में बैठे हैं इस कहानी के रियल कैरेक्टर 17 साल की जूलियन कोइपके और उसकी माँ मारिया। ये लोग क्रिसमस मनाने के लिए जूलियन के फादर के पास जा रहे हैं। वेदर खराब होने की वजह से ये प्लेन थोड़ा लेट जा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ा लेट, लेकिन ये लोग अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। काश ऐसा हो पाता, क्योंकि 10 मिनट तक सब कुछ सही चलता है। लेकिन तभी प्लेन काले घने बादलों में एंटर कर जाता है। प्लेन में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। प्लेन के अलार्म से बजने लगते हैं। जूलियन, जो कि प्लेन की विंडो से बाहर देख रही थी, उसे प्लेन के साइड पर एक बिजली गिरती हुई नजर आती है। जूलियन की मदर उससे बहुत धीमी आवाज में कहती है, दैट इज द एंड, इट्स ऑल ओवर। आखिरी शब्द जो जूलियन ने अपनी मदर से सुने थे, क्योंकि इसके बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है। 10,000 फीट से 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमेज़न के जंगलों में कहीं पर गिर जाता है। प्लेन के नीचे गिरते ही सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, सिर्फ जूलियन को छोड़कर, जिसकी सीट हवा में ही प्लेन से अलग होकर गिर गई थी और इतने ऊपर से गिरने के बाद भी ये जिंदा थी। तो जूलियन अब दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में फंस गई है। जूलियन अभी उसी सीट पर सीट बेल्ट से बंधी हुई उल्टी लटकी हुई थी। अचानक से उसकी आंखें खुलती है। वो अपने आसपास मेंढक और बर्ड की आवाजें सुन पा रही थी। उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है घने जंगल की वजह से। वो फिर से होश खो देती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे जूलियन को होश आता है। वो किसी तरह अपने सीट बेल्ट को खोल लेती है और उससे आजाद हो जाती है। इस टाइम पर जूलियन के पास एक खाने का पैकेट था, जो उसे प्लेन के पास से मिला था। जूलियन के कंधे पर एक गहरी चोट लगी हुई थी। जूलियन को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका चश्मा वहीं पर टूट गया था। उसने गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे और जंगल का मौसम ठंडा था। थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी। जूलियन अपने पेरेंट्स के साथ कुछ सालों तक जंगल में रही थी, इसीलिए उसे जंगल में रहने का थोड़ा एक्सपीरियंस था। अब वो जैसे तैसे 4 दिन गुजार लेती है, लेकिन चौथे दिन ही उसे किंग गिद्धों की आवाजें सुनाई देने लगती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जूलियन को मालूम था कि ये गिद्ध तभी जमीन पर आते हैं जब इन्हें सड़े मीट का पता चलता है, और वो समझ गई थी कि ये इस बार जमीन पर किस लिए आए थे। अब जूलियन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वो भूख से तड़प रही थी। वो जंगल के फल फ्रूट से पहले ही दूर रहती है, क्योंकि उसे पता है कि जंगल के ज्यादातर फल फ्रूट जहरीले होते हैं। ठंडी ठंडी पानी की बूंदे और हवा उसे कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। सिर्फ उसे ही पता था कि यह डार्क ब्लैक नाइट्स किस तरह से गुजर रही थी। उसकी चोट पर कीड़े लग गए थे, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा था। वो जंगल में आगे चलती रहती है। उसे एक नदी दिखाई देती है और वो समझदारी दिखाते हुए उस नदी के साथ ही आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि अक्सर आदिवासियों के कबीले नदी के किनारे पर ही बसे होते हैं। जूलियन रुकती नहीं है, वो नदी के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है। 10वें दिन वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तभी उसे ताड़ के पत्तों की एक झोपड़ी नजर आती है। लेकिन उसे ये एक इल्यूजन लगता है, लेकिन असल में ये झोपड़ी रियल थी। उस झोपड़ी में उसे एक पेट्रोल का कैन मिलता है। वो पेट्रोल को अपने कंधे वाले घाव पर डाल लेती है, जिसमें कीड़े लगे हुए थे, और फिर जूलियन उससे होने वाले दर्द को सहते हुए लगभग 30 किलो को बाहर निकालती है। उसे बहुत राहत मिलती है और वो इसी झोपड़ी में रात गुजारने के लिए यहीं पर सो जाती है। अगले दिन जूलियन को कुछ आदमियों की आवाजें सुनाई देने लगती है। ये पेरू के स्थानीय मछुआरे थे। वो लोग पतली गंदी और सुनहरे रंग के बालों वाली लड़की को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई जलपरी है। जूलियन के माता पिता ने सर्वाइवल की जो फाइनल की दी थी, वो थी स्पेनिश लैंग्वेज, जिसकी मदद से ये उन लोगों से बात कर पाई। उन लोगों ने जूलियन को खाना खिलाया, और जैसे ही ये न्यूज बाहर के लोगों को पता चलती है, तो जूलियन पूरी दुनिया में प्लेन क्रेश और सोलो सर्वाइवल के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। और इस तरह से ये 17 ईयर की लड़की अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। तो हाँ, ये वीडियो एंड हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और मैं इस चैनल पर ऐसी और इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली स्टोरीज लाने वाला हूँ। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।